देश दुनिया से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई निजी रहे तो कमेंट करें। रेल के बाद अब एयरलाइन भी शुरू होगी, जाने ड्राफ्ट में सरकार ने क्या नई गाइडलाइन जारी की। भारतीय रेल के बाद अब एयरलाइन भी अपनी सर्विस शुरू करने के लिए तैयारी में है। इस बात की जानकारी उस ड्राफ्ट से होती है जिसे कमर्शियल एयरलाइन को फिर से चलाने के लिए तैयारी की गई। इस ड्राफ्ट में एयरलाइन के परिचालन के लिए दिशा निर्देश हैं जिसका पालन कमर्शियल एयरलाइन को ही नहीं बल्कि यात्रियों को भी करना होगा। यह ड्राफ्ट नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया। हालांकि विमान में अब तक यात्रा पहले जैसी बिल्कुल नहीं होगी, कई नए नियमों के साथ सेवा शुरू होगी। आइए उन नियमों को एक एक करके जानते हैं जिन्हें यात्रा के दौरान यात्रियों को पालन करना होगा। यात्रियों को मोबाइल में आरोग्य सेतु एप्लीकेशन अनिवार्य रूप से डाउनलोड करना होगा। अगर आरोग्य सेतु में ग्रीन सिग्नल नहीं दिखता तो यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इससे आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति को आरोग्य सेतु के जरिए कोविड-19 का टेस्ट करना होगा, उसका परिणाम उसके बाद यात्रा की अनुमति ही होगी। यात्रियों को फ्लाइट लेने में 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा। प्रवेश द्वारा चेकिंग की कोई सर्विस नहीं होगी, ऐसा सामाजिक दूरी को बनाए रखने के लिए किया जाएगा। यात्रियों को वेब चेक इन करने की अनुमति नहीं होगी। यात्रियों को एयरलाइन द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार ही सामान ले जाने की अनुमति होगी। अगर कोई यात्री किसी कारणवश बढ़ते तापमान या अपनी उम्र के चलते यात्रा करने में असमर्थ होंगे तो उन्हें अगले दिन किसी दंड यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बोर्डिंग गेट के पास यात्रियों के शिविर के तापमान की जांच होगी। तापमान सामान्य रहने के बाद ही बोर्डिंग की अनुमति होगी। यात्रा के दौरान यात्रियों को खाना नहीं दिया जाएगा, पानी जरूर दिया जाएगा। पायलट और क्रू मेंबर को भी इन नियमों का पालन करना होगा। फ्लाइट के अंतिम 3 सीटों को खाली रखना होगा, उन सीटों की बुकिंग नहीं होगी। अगर किसी यात्री की तबीयत यात्रा के दौरान बिगड़ती तो उसे पिछली सीट पर बैठाया लिटाया जाएगा, जहां यात्रियों को प्राथमिक उपचार भी किया जाएगा। क्रू मेंबर को हर समय मास्क और दस्ताने सहित सभी इक्विपमेंट पहनने होंगे। इसके साथ ही गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन का भी पालन करना होगा, जिन्हें मास्क पहनना, दस्ताने, सोशल डिस्टेंसिंग या सामाजिक दूरी बनाए रखना होगा, अपने हाथ को टाइम पे धोते रहना होगा। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।